आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग का छापा, सराफा कारोबारी के घर से 26 करोड़ जब्त किए गए हैं, 90 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त हुई है। आईटी टीम की 30 घंटे तक कार्रवाई चली, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि सराफा कारोबारी है जिसके घर छापेमारी की गई, 26 करोड़ जब्त किए गए हैं और 90 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हुई है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से कैश वहां से जब्त हुआ है, 26 करोड़ कैश मिला है, 90 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हुई है। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये संपत्ति, कहां से इसे बनाया गया। सराफा कारोबारी बताया जा रहा है नासिक का, जिसके घर पर आईटी की रेड हुई है और आप देखिए किस तरीके से रेड हुई, 26 करोड़ रुपए घर से कैश मिला है। आपको बता दें 30 घंटे तक कार्रवाई चली और 90 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। 30 घंटे की कार्रवाई के बाद 26 करोड़ कैश बरामद हुआ है, 90 करोड़ की संपत्ति मिली है। आगे भी मामले में जांच जारी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों पर भी वोट डाले गए, जिसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि यूपी के पूर्वी हिस्से में बसने वाली आबादी का जोर किस तरफ है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या फिर राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल, हर किसी के लिए पूर्वांचल के नतीजे एक तरह का लिटमस टेस्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सत्ता के संग्राम की दिशा पूर्वांचल के पार गेम से तय होने वाली है। देखिए, यूं तो चुनाव दिल्ली की सत्ता का है और चुनावी दंगल में देश की हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्वांचल की अहमियत कई ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी के इस हिस्से में देश के कई राज्यों से ज्यादा सीटें हैं। अब आइए आपको बताएं ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, कितनी सीटें हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या समीकरण है। लोकसभा सीटें हैं 27, छठे चरण में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई, 14 सीटों पर कंप्लीट हो चुकी है। सातवें चरण में यानी कि 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। तो ये देखिए, ये पूरा पूर्वांचल का पावर गेम। अब आगे बढ़ेंगे और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अपने उम्मीदवार दिए, क्या है पूरा समीकरण बनता नजर आ रहा है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। हमने कहा अगर राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। 3 साल सरकार रहेगी यूपी में, 3 साल परमानेंट, ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर रहेगा, अपनी समस्या लेकर जरूर मिलेगा। 10 साल से एक एक घर में घुसकर आप सबसे अपने मन से जोड़ने का काम किया, हमने 10 साल बाद भी आपके लिए बारी हो गया। ये ताबों की पगडंडी पर पूर्वांचल की सियासत का रंग है। पर सवाल है, पूर्वांचल के मतदाता को कौन सा रंग रास आएगा, लाल, नीला या फिर भगवा? क्या देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिलेगा? क्या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला विजय का लाल ध्वज लहराएगा, या फिर 2014 और 2019 की तरह भगवा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ेगी? और सवाल ये भी कि मायावती की ब्लू आर्मी, राजभर की येलो ब्रिगेड और अनुप्रिया पटेल चुनावी रंगमंच पर कितना असर डाल पाएंगी? पूर्वांचल की देहरी पर ऐसे कई सवाल हैं जो छठे चरण की वोटिंग के बाद कहीं ज्यादा उलझ गए हैं।
दरअसल पूर्वांचल का महार समर यूपी में बड़ी बढ़त का ख्वाब देख रहे हर एक दल के लिए अग्नि परीक्षा सरीखा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल और राजभर जैसे क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पूर्वांचल की बिसात पर चुनावी परीक्षा का एक चरण पूरा हो चुका है। छठे चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों पर वोट डाले गए। अब सत्ता संग्राम के सातवें चरण में 13 सीटों पर अपनी अपनी नैया पार लगाने की चुनौती हर दल के सामने है, पर हर एक नजर दो चेहरों पर जमी है, नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि वाराणसी में सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। सीएम योगी के प्रभाव वाले गोरखपुर में भी चुनावी मुकाबला आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि गोरखपुर और वाराणसी में जीत के रास्ते में बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इन दो लोकसभा क्षेत्रों से पीएम मोदी और सीएम योगी आसपास की कितनी सीटों को प्रभावित करते हैं, ये सवाल बड़ा है। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। पूर्वांचल में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रभाव की परीक्षा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए वाले फार्मूले का टेस्ट भी होगा। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सियासी नेताओं के ताकत का अंदाजा भी पूर्वांचल के नतीजों से ही तय होगा। याद कीजिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान से भी पहले अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ के आसरे लोकसभा विजय का बिगुल फूंक दिया था, जिसकी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल की जमीन पर ही होनी है, क्योंकि वो पूर्वांचल ही है जहां राजनीति की धुरी धर्म के रास्ते नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की बिसात पर बुनी जाती है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। पूर्वांचल की जमीन पर सियासत के मंच से उठते ये बयान यूं ही नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है, जबकि दलित 21% और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 20% है। माना जाता है कि पूर्वांचल का यही जातीय समीकरण अखिलेश यादव या कहिए कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को बल देता है। हालांकि यहां भी एक पेच है। बीजेपी के साथ खड़े संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे छत्रपों का प्रभाव भी इसी पूर्वांचल में है। ये तीनों नेता जिस समुदाय की राजनीति करते हैं वो भी निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में राजभर आबादी करीब 16-17% तक है। मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर और प्रयागराज में निषाद आबादी 14-17% है। पूर्वांचल में संजय निषाद की निषाद पार्टी की दावेदारी मछुआ समाज के वोटर्स पर है। हालांकि 2019 की तरह उनकी पार्टी इस बार भी अपने सिंबल पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया, जिनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। संत कबीर नगर की चुनावी फाइट निषाद बनाम निषाद की है। प्रवीण निषाद के सामने समाजवादी पार्टी से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद हैं। ऐसे में संत कबीर नगर सीट पर जो जीत हार होगी वो तय करेगी कि संजय निषाद की, जो निषादों की आवाज बुलंद करने का दावा करते हैं, उनकी अपने समाज में पकड़ कितनी है। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, पूर्वांचल के लोकसभा चुनाव अपने बयानों के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि उनकी पार्टी SBSP NDA गठबंधन के तहत पूर्वांचल की घोसी सीट से चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने सिंबल पर। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के राजीव राय हैं।
पूर्वांचल के पावर गेम में एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का है, जो खुद पूर्वांचल की मिर्जापुर सीट से उम्मीदवार हैं और उनकी पार्टी पिछड़ा वर्ग खासकर कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल पूर्वांचल की दो सीटों पर यानी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में यानी 2019 में भी इस पार्टी ने इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों को जीत लिया था। हालांकि इस बार पूर्वांचल की जमीन पर अनुप्रिया पटेल की राह आसान नजर नहीं आती। दिलचस्प है कि पूर्वांचल में एक सीट पर पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सियासी प्रभाव का भी टेस्ट होगा। यूपी की इकलौती सीट भदोही से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का शोर भले ही अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है, क्योंकि अंतिम चरण की 13 सीटों पर हर दल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल से बड़ी बढ़त मिली थी। नतीजा बीजेपी राज्य और केंद्र की सत्ता में काबिज हुई, लेकिन इस बार चुनाव नया है, मुकाबला नया है और समीकरण भी। सामने अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की चुनौती है, राहुल गांधी का जातीय जनगणना वाला दांव है। जौनपुर और पूर्वांचल की 27 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि घटना के कारणों की जांच हो रही है। देखिए, बेहद दुखद हादसा जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई, और इस हादसे को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि घटना के कारणों की जांच चल रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग जगह आग से हुए हादसों की करेंगे बात। राजकोट के गेम जोन में भीषण आग से 27 लोगों की मौत, हिरासत में मालिक और मैनेजर, एसआईटी टीम ने की जांच की शुरू, पीएम ने की गुजरात के मुख्यमंत्री से बात। फाइबर डोम से बना था गेम जोन, जनरेटर के लिए करीब 1.5 से 2000 लीटर डीजल, रेसिंग कार के लिए था करीब 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल, एंट्री और एग्जिट का एक ही था रास्ता। आग की वजह से गेम जोन का पूरा ढांचा हुआ धराशायी, गर्मी की छुट्टियां और वीकेंड होने से भरा हुआ था गेम जोन, राज्य के सभी गेम जोन की जांच के आदेश। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि गुजरात सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 4 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। राजकोट में आग लगने की घटना पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख, एक्सपोस्ट में कहा मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, घायलों के लिए प्रार्थना। राजकोट की घटना पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख, एक्सपोस्ट में कहा मुख्यमंत्री से की बात, गेम जोन में हुए हादसे से मन अत्यंत दुखी, प्रशासन राहत और बचाव कार्य के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी ने राजकोट हादसे पर जताई संवेदना, एक्सपोस्ट में लिखा बच्चों समेत कई लोगों की मौत बहुत ही पीड़ादायक है, गुजरात सरकार से उम्मीद है विस्तृत और निष्पक्ष जांच करके शीघ्र न्याय दिलवाए। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा गेम जोन में आग से कई की जान चली गई, मोरबी में पुल टूटने से कई मौत, क्या हो रहा है गुजरात में जो ऐसी घटनाएं बार बार घटती है। सीएम केजरीवाल ने एक्सपोज में कहा राजकोट के मॉल में लगी आग की घटना बेहद दुखद है, जिन्होंने अपनों को खो दिया उन सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। छत्तीसगढ़ की बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका, 3 लोगों की मौत की पुष्टि, फैक्ट्री के गेट में अपनों को तलाश रहे परिजन। बारूद फैक्ट्री धमाके से बनी खंडर, करीब 3 किलोमीटर के इलाके में दहशत, डीएम ने कहा रेस्क्यू में लग सकता है करीब 24 घंटा, मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी अरुण साव ने किया घटना स्थल का दौरा, घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश, एसपी के मुताबिक गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट पर पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के अस्पताल में बीबी केयर सेंटर में लगी आग पर पाया गया काबू, 7 नवजातों की मौत, विवेक विहार के हॉस्पिटल में लगी थी आग।
फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक 16 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। करीब 12 लोगों को पहुंचाया अस्पताल। हॉस्पिटल की इमारत और पास की रिहायशी इमारत को आग से नुकसान। दिल्ली के मोटका इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मेहनत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख। तेलंगाना के संगारेड्डी में आग का तांडव। स्क्रैप गोदाम में भड़की आग की वजह से इलाके में दहशत। गोदाम पूरी तरह से जलकर राख। केमिकल की वजह से तेजी से फैली आग। राजस्थान के बारा में दो मंजिला रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग। वहां मौजूद लोगों ने छत से कूदकर बचाई अपनी जान। हालांकि बाद में पानी की बौछार करके दमकल विभाग के लोगों ने आग पर पाया काबू। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी खबरों की करेंगे बात। पीएम मोदी का आज तूफानी दौरा। यूपी में 3 रैली को करेंगे संबोधित। मिर्जापुर घोसी बांसगांव में भरेंगे हुंकार। आखिरी चरण के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में करेंगे जनसभाएं। औरंगाबाद कैमूर और लुधियाना में करेंगे प्रचार। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी के लिए करेंगे वोट की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज धुआंधार रैली। 7वें फेज के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। बिहार के जहानाबाद भोजपुर और बिहार शरीफ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा। दोपहर 1 बजे भभुआ में करेंगे जनसभा। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। शाम 5 बजे पटना में करेंगे मीडिया से बातचीत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ताबड़तोड़ चुनावी रैली। आखिरी चुनावी चरण के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला और हमीरपुर में भरेंगे हुंकार। आखिरी फेज के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज पंजाब में भरेंगे हुंकार। फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में करेंगी प्रचार। चंडीगढ़ में भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। सीएम अरविंद केजरीवाल 30 मई तक पंजाब में डालेंगे डेरा। आज दोपहर फिरोजपुर में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। होशियारपुर और भटिंडा में करेंगे रोड शो। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज तूफानी दौरा करेंगे सलेमपुर और बलिया में भरेंगे हुंकार। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभाएं। लोगों के बीच करेंगे वोट की अपील। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 58 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78% और सबसे कम 53% जम्मू कश्मीर में हुआ मतदान। और 9 सेकंड न्यूज में चुनावी हलचल के बीच मिशन 2024 से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। पीएम मोदी ने बिहार में विपक्ष के नेताओं पर किया प्रहार। बोले जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा जेल का रास्ता तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। जेल भेजने वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले जेल की धमकी देकर जनता के दिलों पर राज करने वाले तेजस्वी यादव को खत्म नहीं कर सकते। बिहार के काराकाट में पीएम मोदी की हुंकार। विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार। कहा विपक्ष वोट बैंक का गुलाम। वहां मुजरा करना है तो करें लेकिन धर्म के नाम पर देश में नहीं होगा आरक्षण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की भाषा पर उठाए सवाल। लिखा प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और बीजेपी की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर किया वार। बोली मोदी जी के भाषण से उनकी असलियत दिखाई देने लगी है। बीजेपी की हार से बौखला गए हैं प्रधानमंत्री। गुलाम और मुजरा वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर प्रहार किया। कहा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पीएम की भाषा का स्तर भी गिरता जा रहा है। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे चिराग पासवान बोले आज मेरे प्रधानमंत्री जनता की बात करते हैं। कम से कम विपक्ष की तरह गाली गलौज तो नहीं करते। बिहार के बक्सर में पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। बोले इन्नी जमात वालों का इरादा है कि ये संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर पीएम मोदी के पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कोई मूर्ख भी नहीं देगा आरक्षण। हम तो होशियार हैं। पीएम लोगों को कर रहे हैं गुमराह। यूपी के वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में प्रियंका और डिंपल यादव ने किया साझा रोड शो। इंडिया गठबंधन के लिए जनता से मांगे वोट। काशी में रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का दावा। बोले वाराणसी से वो चुनाव जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे वाराणसी। जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान का लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का दावा। कहा 4 जून के बाद लालू यादव किसी मस्जिद में पड़े रहेंगे। 400 पार हो चुका है। 6वें चरण में 99% वोट एनडीए को मिले।
चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी वाले कर रहे हैं झूठे वादे, इस बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का लालू प्रसाद पर प्रहार, बोले लालू यादव ने 9 बच्चा पैदा कर परिवार बढ़ाया लेकिन मेरा परिवार पूरा बिहार है, बिहार में सभी 40 सीट जीतने का दावा किया। लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का दावा, बोली इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यूपी के जौनपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर से अतिरिक्त ईवीएम लाने पर बवाल, एसपी के समर्थकों ने रोकी ईवीएम वाली गाड़ी, प्रशासन की सफाई, कहा गलती से पहुंची रिजर्व ईवीएम। जौनपुर अतिरिक्त ईवीएम मामले पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, बीजेपी के इशारे पर फर्जी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाने की कोशिश की गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का लालू प्रसाद यादव पर हमला, मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया, बोले सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए सोचते हैं लालू यादव, परिवार तक सीमित है आरजेडी। अग्निवीर योजना पर गृहमंत्री अमित शाह बोले, कहा राहुल गांधी अपनी पार्टी के फायदे के लिए झूठ फैला रहे हैं, 25% जवानों को मिलेगी सीधे सेना में नौकरी। कंगना रनौत का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोली सारे चोर इकट्ठा होकर गठबंधन में जुट गए हैं, सीएम सुक्कू चुनाव के लिए प्रियंका को भेज रहे हैं हिमाचल से पैसा। और अब राजनीति से जुड़ी खबरों की करेंगे बात, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रेस से बातचीत के दौरान जहर से कर दी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। पीएम मोदी पर खड़गे की जहर वाली टिप्पणी की बीजेपी ने तीखी आलोचना की, कहा बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा बचा नहीं, हार की हताशा साफ झलक रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, बोले कांग्रेस ने पीएम की आस्था पर सवाल उठाए लेकिन कांग्रेस भी मान रही है कि 2047 तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष की पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का पलटवार, कहा उनकी मोहब्बत की दुकान में बिकता है नफरत का सामान। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर एक से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाने पर सरकार की पाबंदी, छिंदवाड़ा में प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों से हटवाए एक से ज्यादा लगे लाउडस्पीकर। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान के दौरान झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर पत्थरों से हमला, जान बचाने के लिए भागते नजर आए प्रणत, टीएमसी पर हमले का लगाया आरोप। बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू ने कहा कि बीजेपी के वोटर्स को मतदान से रोका जा रहा था, उनके पहुंचते ही भीड़ ने उन पर अटैक कर दिया, कहा केंद्रीय बल ने बचा लिया नहीं तो हो जाती हत्या। मेदिनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, मतदान केंद्र में घुसने का आरोप लगाया, अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी जहां जहां आ रही है वे हिंसक होकर आक्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है टीएमसी। ओडिशा के अंगुल में छेंदीपाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुशांत बेहरा पर आरोप, बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलने का पार्टी ने आरोप लगाया है, बीजेपी ने हमले की तस्वीरें भी जारी की। ओडिशा के खुर्दा से बीजेपी विधायक उम्मीदवार प्रशांत जगदेव पर बूथ में घुसकर ईवीएम तोड़ने और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पिटाई का आरोप लगा है, ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लुधियाना में उत्तराखंड के सीएम ने कांग्रेस आप गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है, कहा एससी एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं ये लोग। यूपी के प्रयागराज में मतदान के दौरान एसपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह की पुलिस से झड़प, आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की मौत के मामले को लेकर जांच तेज हो गई है, पश्चिम बंगाल सीआईडी टीम ने भांगर में तलाशी अभियान चलाया, सांसद के शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश। और चलिए अब देश से जुड़ी अहम खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड में। पुणे कार दुर्घटना मामले में 28 मई तक पुलिस हिरासत में नाबालिग आरोपी के दादा, पुलिस का दावा ड्राइवर को घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए पैसों का लालच और धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को कैद रखने के आरोप में नाबालिग के दादा अरेस्ट हुए हैं, ड्राइवर पर निर्देशों के मुताबिक पुलिस को बयान देने के लिए डाला गया था दबाव, ड्राइवर की पत्नी ने उसे छुड़ाया। पुणे कार हादसे में न्याय की मांग, लोगों ने किया मौन प्रदर्शन, पुणे में लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला।
यूपी के शाहजहांपुर में बस हादसा, दर्शन के लिए जा रहे सीतापुर के एक गांव के ही 11 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से घायल, बस के ऊपर पलटा ट्रक। शाहजहांपुर के खुटार गोला रोड पर खड़ी बस से टकरा गया बजरी से लदा डंपर ट्रक, टक्कर के बाद ट्रक के बस के ऊपर ही पलट गया, डंपर की बजरी बस में भर गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 33 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 2 महिला और 31 पुरुष नक्सलियों ने डाले हथियार, नक्सलियों पर कुल 5,00,000 रुपए का इनाम भी किया गया था घोषित। सिख धर्म के सबसे पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले, पहले जत्थी ने किए दर्शन, रोजाना 3500 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति। अब से राम मंदिर में श्रद्धालु नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला, छोटे बड़े लोगों पर लागू रहेगा फैसला, राम मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से समर्थन करने की अपील। और चलिए अब न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की करेंगे बात। राजस्थान के नीमका थाना में मिट्टी का टीला ढहने से 10 मजदूर दबे, रेस्क्यू करके सभी मजदूरों को मिट्टी के अंदर से निकाला गया बाहर, हालांकि इस दौरान एक मजदूर की मौत। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेंदुए के आतंक से लोगों को मिली राहत, चिमुंडी के आवास में घुसे तेंदुए को किया गया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने ट्रकुलाइज करके तेंदुए को पकड़ा। सैलानियों के लिए बहाल हुआ मनाली स्थित रोहतांग दर्रा, बीआरओ ने हटाई बर्फ, पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन तैयार, ऑनलाइन बुकिंग से रोजाना 1200 वाहनों को भेजा जाएगा रोहतांग।